क्वेश्चन नंबर 14 ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. The angle of elevation of the balloon from eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by balloon. In this question, a balloon is flying. The balloon is flying at a height of 88.2 meter from the ground level. Okay, a girl is standing at the ground and height of the girl is 1.2 meter and when she observes this balloon at any moment, the angle of elevation from his eyes, her eyes of the balloon is 60 degree. This is line of sight, this is 60 degree. Okay, now After some time, कुछ टाइम के बाद, the angle of elevation reduces to 30 degree. कुछ टाइम के बाद जो गुब्बारा है, बैलून है, वो हवा में horizontal line में travel कर रहा है. Okay? कुछ पल के बाद उसकी आँख का जो elevation angle है, वो change हो जाता है. अब change होगा कब? या तो बैलून इधर आएगा, या फिर उधर जाएगा. अब देखना यह है कि angle of elevation decrease हुआ है या इंक्रीज, रिड्यूसिंग टू 30 डिग्री हो गया, घट के तो कम हुआ है, तो इसका मतलब बैलून उस डायरेक्शन में गया है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री हो गया. दिस एंगल इज 30 डिग्री नाउ. ओके, हैव यू अंडरस्टूड द फिगर? तो हम लिखेंगे कैसे? लेट AB is height of the balloon in first case. CD is height of balloon in second case after traveling. Okay. EF is position of the girl and these are angle of elevation. Solution. Let AB is height of balloon in case 1, CD is height of balloon after traveling okay, EF is position of girl, EF जो है वो लड़की की position है. अब हमारे पास मेजरमेंट्स क्या है? AB इक्वल टू CD इक्वल टू 88.2 मीटर, EF इज 1.2 मीटर हाइट ऑफ द गर्ल. इन पॉइंट्स को और नाम दे देते हैं हम यहाँ पे EF, G एंड H. ठीक है, हमें जरूरत पड़ेगी इन ट्राइंगल्स की AGF और DHF. अब नीचे वाले मेजर नहीं चाहिए तो हम इनको रेड्यूस करके लिख लेते हैं. इस ट्रायंगल में कितना हो जाएगा? 88.2 में से 1.2 मीटर सबट्रैक्ट हो जाएगा तो 87 मीटर और इतना ही एजी हो जाएगा. तो हम लिखेंगे एजी इक्वल टू डीएच इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2 87 मीटर. ओके, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बैलून है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी ए पॉइंट से डी पे चला जाता है. ए डी यानी कि जी एच, हमें जी एच फाइंड आउट करना है जो कि ए डी के इक्वल है. अब जी एच कैसे आएगा? अब ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, एक तो डी एच एफ और एक है ए जी एफ, इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास एक एक एक्यूटेंगल है, राइट एंगल है और एक एक साइड है. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके हम ये निकालेंगे बेस इन ट्राइंगल ए जी एफ. पहले ए जी एफ ट्राइंगल ले लेते हैं. इन ट्राइंगल ए जी एफ इसमें हमें जी एफ निकालना है.
जी एफ अपॉन ए जी। जी एफ हमारे पास है बेस और ए जी है परपेंडिकुलर। इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट मीन कोट थीटा। जी एफ अपॉन ए जी है 87, जी एफ अपॉन 87 इक्वल टू कोट थीटा। जी एफ इक्वल टू 87 मल्टीप्लाइड बाय कोट एंगल ए 60 डिग्री। कोट 60 पर कितना होता है 1/√3। यहां लिख लेते हैं जी एफ इज 87 मल्टीप्लाइड बाय 1/√3। रैशनलाइज करें, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से ही डिवाइड, ये 3 बन जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 29√3 मीटर जी एफ आ गया अपने पास यहां से लेकर यहां तक। अब कंप्लीट निकालना है एफ एच इन ट्राइंगल डी एच एफ, इन ट्राइंगल डी एच एफ, एफ एच अपॉन डी एच इक्वल टू कोट 30 डिग्री। एफ एच इक्वल टू डी एच हमारे पास 87 और कोट 30 √3, 87√3 मीटर। हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इक्वल टू क्या आएगी अपने पास, एफ एच माइनस जी एफ। ओके, एफ एच क्या है हमारे पास, अभी कैलकुलेट किया हमने, 87√3 माइनस, और दूसरा हमने अभी कैलकुलेट किया था 29√3 इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस 58√3 मीटर। सो बैलून ट्रेवल्ड 58√3 मीटर डिस्टेंस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।